फिर से स्वागत है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की एक नई अपडेट के साथ में और एक नई वीडियो, सेपरेट वीडियो, जिसके माध्यम से मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से जो अलवर ज़िले में वेस्ट साइड एम्यूनिटीज़ जहां ग्राम पिनान के पास में जो ग्राम पिनान में बनाई जा रही है वहां पे छोटा सा अपडेट देना चाहता हूँ। लास्ट टाइम का जो अपडेट था उसमें एक और अपडेट ऐड हुआ है कि जो बड़े वाले बिजली के जो खंभे हैं, ये देख सकते हैं लाइट वाले जो खंभे हैं, बेसिकली उनका सेटअप कर दिया गया है और आप देख सकते हैं सामने जो बड़े खंभे हैं इनको लगा दिया गया है। देख सकते हैं कुछ 5 खंभे टोटल यहाँ लगने थे, जो 3 खंभे जो होटल के आगे की साइड में जहाँ पार्किंग रहेगी वहाँ लगाए गए हैं, और 2 जो खंभे हैं बड़े वाले वो साइड में जहाँ पेट्रोल पंप बन रहा है तो वहाँ पर लगाए जाएंगे, तो वो अभी लगाए नहीं गए हैं। तो अभी यहाँ का वे साइड एम्यूनिटीज़ जो कि अलवर में पैकेज 5 के अंदर आता है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे में अलवर डिस्ट्रिक्ट जो कि राजस्थान में पड़ता है, तो यहाँ का ये अपडेट है। एक छोटा सा माइनर अपडेट देना था। बाकी आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको अलवर ज़िले से और जो ज़िला दौसा के वहाँ जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे कनेक्ट होता है तो वहाँ के बीच में कितना कुछ काम हुआ है। बेसिकली काफ़ी टाइम हो गया था, कम से कम 1 महीने पहले हमने यहाँ की एक वीडियो बनाई थी कि अलवर ज़िले से जैसे हम दौसा की साइड में जाते हैं तो वहाँ पर कितना कुछ काम हुआ है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम यही अपडेट जानने वाले हैं। बाकी वे साइड एम्यूनिटीज़ से आगे की साइड जैसे ही हम चलते हैं तो बिजली की जो हाई टेंशन वाली लाइन थी, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि यहाँ पे जो खंभे हैं उनको सेटअप कर दिया गया है, तो अभी देख सकते हैं आप जो वायरिंग है उसको भी एक खंभे से दूसरे खंभे से कनेक्ट कर दिया गया है, और जो पुराने वाले खंभे हैं उनको वायरिंग है उसको हटा दिया गया है, और आने वाले टाइम पर जो वायरिंग है इसके साथ में ही ये जो खंभे हैं इनको भी हटा दिया जाएगा। एक खंभे के कारण में काफ़ी कुछ काम है वो नहीं हुआ था, तो ये काम भी हम आगे इसी वीडियो में बात करते हैं। तो छोटी छोटी अपडेट को आप देखते रहिए, और जो भाई नया है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो यहाँ आप देख सकते हैं लास्ट वीडियो में मैंने अपडेट दिया था कि पिनान के पास में जो इंटरचेंज बन रहा है स्टेट हाईवे 35 को जो क्रॉस करता है, जो कि स्टेट हाईवे 35 जो कि करौली ज़िले से अलवर ज़िले को कनेक्ट करता है, और यही जो रोड है ये बेसिकली NH 21 को जोड़ेगा यहाँ से, जो ये इंटरचेंज है। तो यहाँ का अपडेट दिया था कि जो ये जो एक्सप्रेसवे है इसकी जो छत है, जो टोल टैक्स की जो छत है, बेसिकली उसको सेटअप कर दिया गया है इंटरचेंज पिनान के पास में। तो अभी आपने देखा वीडियो के माध्यम से कि जो छत है उसको लगा दिया गया है, और साइड में किस तरीके से काम चल रहा है, और यहाँ की एक साइड की जो पुलिया है इसका काम कंप्लीट हो गया है, दूसरे साइड की जो पुलिया है इसका काम कंप्लीट नहीं हुआ है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ का जो पेट्रोल पंप था उस पेट्रोल पंप को हटाया गया है। बेसिकली जो पेट्रोल पंप था वो बिल्कुल पुलिया के एडजेक्टली नीचे आया था, तो उसको हटाने के बाद में आप देख सकते हैं एक साइड की जो पुलिया है इसका काम कंप्लीट हो गया है, और जो इसके अपोजिट साइड की जो पुलिया है उसका काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। नीचे का जो स्ट्रक्चर है उसका काम अभी किया जा रहा है, नीचे के जो पिलर हैं उनको ढाला जा रहा है अपनी एक शेप में, फिर उसके बाद में इसको वी शेप में डाला जाएगा। बाकी आप यहां देख सकते हैं दूसरी साइड का जो टोल टैक्स है, बेसिकली यहां पे किसी भी तरीके का कोई अड़चन नहीं थी, ना कोई पेट्रोल पंप से रिलेटेड, तो यहाँ का जो काम है ये काम कम्प्लीट हो गया है। जो लाइट वगैरह, जो सेंसर वगैरह, जो लाइट का जो वायरिंग वगैरह है टोल टैक्स पे, उसका भी काम कंप्लीट कर दिया गया है, देख सकते हैं आप। और जो रोड लाइट के जो खंभे हैं, बेसिकली 1 किलोमीटर पहले 1 किलोमीटर इधर की साइड में दोनों साइड में जो टोल टैक्स बनेगा वहाँ पे जो रोड लाइट है उसको लगाया जाएगा, तो उसका भी काम कंप्लीट कर दिया गया है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर KCC कंपनी को जो ठेका मिला है, KCC प्राइवेट कंपनी, बेसिकली उसका यहाँ हेड ऑफिस बोल सकता हूँ मैं, जहाँ पे ये जो मटेरियल वगैरह सीमेंट, कंक्रीट, घोल, पेस्ट, और यहीं पे जो मिक्सिंग होती है पत्थरों की, बेसिकली वो यहाँ ऑफिस है, तो वो यहाँ से तैयार होके आता है। बाकी यहाँ देख सकते हैं लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये जो पहाड़ था ये बीचों बीच आ गया था, तो इसकी कटिंग करके यहाँ पर डांबरीकरण है उसका काम भी कम्प्लीट कर दिया गया है। तो अभी हम आगे चलते हैं रैणी की साइड में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे हम पिनान से निकलने के बाद में रैणी की साइड में जाते हैं तो बेसिकली यहाँ का जो काम है वो बहुत कम हुआ है, सबसे कम काम यहीं का हुआ है। मैंने लास्ट टाइम की वीडियो में भी आपको बताया था
कि बेसिकली यहाँ का काम कम होने का सबसे बड़ा रीज़न है कि ये जो बिजली की जो हाई टेंशन वाली जो लाइन थी इनका यहाँ से निकलना, इसके कारण यहाँ पे काम कम हुआ है। और वेस्ट साइड एम्यूनिटीज जो कि पिनान में बनाई जा रही है, वहाँ के बारे में भी मैंने आपको अपडेट दिया था कि जो ये खम्भे हैं इनका नया स्ट्रक्चर है उसको बना दिया गया है, और इनका जो वायरिंग है इसका शुद्धिकरण अभी चल रहा है। ये आप देख सकते हैं साइड में, अगर नोटिस करेंगे तो नए खम्भे हैं उनको लगा दिया गया है, ये देख सकते हैं आप। बाकी यहाँ पे अभी जो वायरिंग का काम है उसका शुद्धिकरण चल रहा है, तो इसी के साथ में जो पेवरिंग का काम है, डम्बरीकरण का काम है, बेसिकली नीचे का जो फाउंडेशन है उसका काम कंप्लीट कर दिया गया है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का, मगर मिट्टी वगैरह डालने का कहीं काम बाकी है, मगर जो डम्बरीकरण है इसका काम अभी बिल्कुल ना के बराबर हुआ है, आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। और कुछ जगह पे तो खंभे बीचों बीच आ गए हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के, कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे खंभे साइड में हैं तो उनको हटाने का काम अभी प्रॉपर तरीके से चल रहा है। इसके बाद में जैसे ही यहाँ का काम कंप्लीट होता है तो पूरी एक सेपरेट वीडियो के माध्यम से मैं आपको, जैसे आम लोगों के लिए जो रास्ता होता है, बेसिकली अगर किसी भाई को पिनान से दौसा के लिए जाना है, अब बेसिकली अगर पिनान से दौसा के लिए जाएगा तो वो महुआ होते हुए मंडावर होते हुए जाएगा, तो मेरा वीडियो बनाने का जो मोटिव है, बेसिकली जो पर्पस है, वो ये है कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे जैसे ही कुछ काम होता है तो उसकी वीडियो आपको दिखाई जाए, जिसके माध्यम से आपको आने जाने में थोड़ा सुटेबल रहे। अब ये जो लोकेशन है ये कि अलवर ज़िले में ग्राम बिरमकी के पास में, बिरमकी माता का यहाँ मंदिर है जो भी काफ़ी फेमस मंदिर है, उसके पास में आप देख सकते हैं एक साइड का जो रोड है वहाँ पे काम नहीं हुआ है, बाकी दूसरी साइड का जो रोड है उसका काम कंप्लीट हो गया है। तो इसका भी सबसे बड़ा रीज़न यही है कि जो बिजली के जो खंभे हैं वो आ गए हैं बीचों बीच में। बाकी यहाँ मैं आपको बता दूँ, साइड में जो ज़मीन ली गई है, देख सकते हैं आप जो साइड में बाउंड्री वॉल का काम चल रहा है, इसके अंदर जो ज़मीन रहेगी ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की रहेगी, और इस ज़मीन के अंदर में जो बिजली के जो बिजली बनाने के लिए बेसिकली जो सौर ऊर्जा के जो पैनल हैं उनको सेटअप किया जाएगा, उनको लगाया जाएगा, जिसके कारण में यहाँ पर रोड लाइट वगैरह बाकी और भी बहुत सी चीज़ों की जो लाइट बिजली इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई है वो यहीं से की जाएगी। तो ऐसे कुछ एरिया में जहाँ पे सौर ऊर्जा के पैनल लगाए जाएंगे वो ऐसे कुछ जगह चिन्हित की गई हैं साइड में, ज़मीन लेने के बाद में उनको बाउंड्री वॉल से कवर कर दिया गया है ताकि वहाँ पे किसी तरीके के लोग बाग अपना कब्जा ना कर सकें या फिर किसी तरीके की फसल खेती कृषि वगैरह ना कर सके किसान। तो इसी के कारण देख सकते हैं आप यहाँ पे भी कुछ इस तरीके से जो साइड में जो ज़मीन है वो ली गई है, बाकी साइड की जो ज़मीन अलग है, बाकी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की जो ज़मीन है डेडिकेटेड उसको एक अलग बाउंड्री वॉल से कवर किया है। बेसिकली साइड में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के बीचों बीच जो प्लांटेशन का काम है वो तो एकदम प्रॉपरली चल रहा है, उसके अलावा साइड में देख सकते हैं दोनों साइड में भी पेड़ लगाए जाएंगे तो उनका काम भी अलग से स्टार्ट किया गया है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको अलवर ज़िले से और जो दौसा ज़िले में जहाँ दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे क्रॉस करता है तो वहाँ का वीडियो इसी माध्यम से दिखाया जाऊँगा। तो अभी आप देख सकते हैं ये जो लोकेशन है ये अलवर ज़िले से, जैसे हम रैणी की साइड में जाते हैं तो ग्राम रैणी से पहले के पास में जो जगह है वहाँ की ये लोकेशन है, देख सकते हैं महिलाएं घास काट रही हैं बीचों बीच में, जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से पेड़ लगाए जाने हैं वहाँ के अंदर जो घास आ गई है तो उसको घास को यहाँ के जो आसपास के ग्रामीण लोग हैं वो अपना फ़ायदा उठाते हैं, घास को काट लेते हैं। बेसिकली ये भी बहुत ज़रूरी है, किसी ना किसी ने बोला होगा कि भाई घास को काटो ताकि आने वाले टाइम पे प्लांटेशन किया जा सके। और मैं यहाँ बता सकता हूँ कि यहाँ का काम जो कम्प्लीट है, बेसिकली बिल्कुल कम्प्लीट है, और जो प्लांटेशन का भी काम है वो यहाँ कर दिया गया है, देख सकते हैं आप एक टैंकर के द्वारा पानी डाला जा रहा है और पेड़ों की जो कंडीशन है वो काफ़ी अच्छी है। और आने वाले टाइम पे इसी वीडियो की श्रृंखला में आपको दौसा ज़िले की वीडियो है वो भी दिखाई जाएगी, वेस्ट साइड एम्यूनिटीज की लास्ट टाइम जो वीडियो थी वो मैंने अपलोड कर दी थी इसी चैनल के माध्यम से, तो वो भी आपने देखी होगी। बाकी यहाँ आप देख सकते हैं ये ग्राम रैणी के पास में जो पुलिया बनाई गई है, बेसिकली अलवर से और ग्राम रैणी को जो कनेक्ट करती है रोड, उसके ऊपर होकर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे क्रॉस करता है। तो इस एक्सप्रेसवे के ऊपर जो पुलिया है लास्ट टाइम उसका जो काम था वो बिल्कुल अधूरा था, तो हम साइड से नीचे होकर निकलते थे, तो अभी आप देख सकते हैं पुलिया का जो काम है वो एकदम कंप्लीट कर दिया गया है, बिल्कुल एकदम कंडीशन एकदम ओके है। कुछ ऐसा काम है जो नहीं हुआ है, कुछ फिनिशिंग से रिलेटेड जो काम है वो नहीं हुआ है, मगर आप अभी सफ़र कर सकते हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे। लास्ट में इस वीडियो की सीक्रेट एक बात बताऊँ आपको कि आप कहाँ से कहाँ तक का
दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे सफ़र कर सकते हैं। बेसिकली हमने अभी इन वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से अलवर ज़िले में जो बड़ौदा मेव है उसका इंटरचेंज, उससे आगे की साइड में जो वे साइड एम्यूनिटीज होटल वगैरह बनाए जा रहे हैं वहाँ को भी कनेक्ट किया था। और इन्हीं वीडियो के माध्यम से हमने अलवर ज़िले से आगे की साइड दौसा ज़िले में जब जब जाते हैं तो वहाँ की वे साइड एम्यूनिटीज जो कि ग्राम धनावड़ में बनाई जा रही है उसकी भी वीडियो इसी चैनल के माध्यम से आपको दिखाई गई थी। तो अभी आप जो देख रहे हैं ये KCC कंपनी का जो टेंडर है वो मिला हुआ है और पैकेज 5 के अंदर आता है, जो कि अलवर ज़िले में अलवर ज़िले में राजस्थान में पड़ता है बेसिकली। और आने वाले टाइम पे मैं दौसा ज़िले की जो कि राजस्थान में पड़ता है पैकेज 6 के अंदर आता है उसकी भी वीडियो दिखाऊँगा। तो अभी आप यहाँ देख सकते हैं जो ईंट भट्टा है इसका काम भी, इसके पास में जो ज़मीन थी इसका काम भी कर दिया गया है और MBCB के जो पोल हैं इनका भी काम किया जा रहा है। फाइबर बीम लगाने हैं, MBCB के जो पोल हैं इनको प्रॉपर तरीके से गाड़ दिया गया है। बाकी अपोजिट साइड में देख सकते हैं आप वहाँ का जो MBCB का जो पोल और फाइबर बीम का जो काम है उसको कंप्लीट कर दिया गया है। बाकी लास्ट टाइम हमने जो वीडियो बनाई थी वो यहाँ पे हम साइड से नीचे होके सफ़र करते थे, तो अब ऐसा कुछ भी नहीं है, अब यहाँ का काम एकदम बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। और आने वाले टाइम पे इसी चैनल के माध्यम से, जैसे अभी इस वीडियो को मैं आपको दिखाऊंगा ग्राम कीलपुर खेड़ा तक का है ये अपडेट बेसिकली, और आने वाले टाइम पे ग्राम कीलपुर खेड़ा से जैसे ये दौसा को जहाँ कनेक्ट करता है, जहाँ पे आगरा से और जो बांदीकुई वाली जो रेलवे की जो लाइन है, बिजली वाली इलेक्ट्रिसिटी वाली जो रेलवे लाइन है उसको कहाँ क्रॉस करता है, वहाँ कितना कुछ काम हुआ है, तो इन सब चीज़ों की वीडियो है वो इसी चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को ज़रूर शेयर करें जिससे कि हमको मोटिवेशन मिलता रहे। और ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको किस चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए। बेसिकली आने वाले टाइम पे मैं दौसा की वीडियो को कवर करूँगा, तो मुझे बताएं ताकि हम आपको अच्छे से अच्छी जानकारी दे सकें। धन्यवाद।